ओके okay, दोस्तों मेरा नाम रविकांत है और मैं भारतीय भाषा कार्यक्रम सी एस टी एस की प्रतिमान व्याख्यान माला की इस कड़ी में आ, अशोक जी का श्री अशोक वाजपेयी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब की तरफ से और आप सबका स्वागत करता हूं अपनी तरफ से आ, जब आ, दीपू और अभय जी बात करने गए थे अशोक जी से तो इनसे सहमति तो हो गई थी कि ये बोलेंगे और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि ये पिछली बार हमारे यहाँ आए थे जब भारतीय भाषा कार्यक्रम का एक तरह से आगाज हो रहा था और बहुत सारे लोग थे नामवर जी थे और पार्थो चैटर्जी थे कई लोग थे और तो उस समय तो हमारी इच्छा थी कि बहुत वक्त गुजर गया और हम इससे शब्द के इर्द गिर्द बात करने के लिए इनसे आग्रह करेंगे अब मैं जरा इनकी कुछ किताबें जो गद्य की किताबें हैं जो फुटकर लेखन करते रहे हैं और चूंकि मैं मैंने इनके की कविताएं ज्यादा पढ़ी नहीं है लेकिन गद्य मैंने कुछ जरूर पढ़ा है और हमारे मित्र राकेश पांडे कहते हैं कि अगर आप सौ अंक इनके संपादन में निकले पूर्व ग्रह के देखें तो आप संपादन कला उससे सीख सकते हैं तो हम जैसे लोग जो कि रोज जूस जूझते हैं संपादन कर्म से तो उस पूर्वग्रह को हम लोग डिजिटाइज भी करना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक डिजिटाइजेशन का भी कार्यक्रम चल रहा है मैं सचिन प्रवीण और अयोध्या सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे मेरी अनुपस्थिति में ये सब कुछ यहाँ पर किया है मैं पढ़ना ये इसलिए चाहता था इन किताबों के नाम क्योंकि इसमें कुछ ध्वनि प्रतिमान के शीर्षक से भी मिलती है अपने समय में हुँ? समय के सामने समय के इर्द गिर्द और सब में सब टाइटल है समाज राजनीति संस्कृति कुछ कुछ लगता है कि प्रतिमान ने नकल की है जाने अनजाने चाहे अनचाहे और प्रेरित होकर आपके गद्य से आ, आप तो जानते हैं कि ये सेंटर एक बहुभाषी विद्वानों का केंद्र है ज्यादातर लोग यहाँ पर बहुभाषी हैं और एक से ज्यादा भाषाओं में लिखते आए हैं उनको ज्यादा हिंदी जगत में नहीं जाना जाता है लेकिन वो और भी जगतों में मशहूर रहे हैं इसलिए और पिछले 21 साल से तो हम लोग बहुत कुछ कर ही रहे हैं चाहे वो टेक्नोलॉजी से जूझना हो कंप्यूटर को हिंदी में लाना हो या किताबें डिजाइन से भी और शब्द से दोनों ही आधार पर एक तरह का प्रतिमान स्थापित करने की हमने कोशिश की है लेकिन ये आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं होता आपने यह मार्गदर्शन हमें दिया है उसका भी शुक्रिया ये मौका है शुक्रिया अदा करने का तो शब्द और समय पर जब हमने इनसे इशरार किया कि आप बोलें मनोज जी और हम बात करने गए थे मनोज मोहन तो इन्होंने कहा कि आत्मरति जैसा नहीं हो जाएगा तो हमने कहा कि नहीं आप समय के बारे में लिखें क्योंकि मैं अक्सर आपके कॉलम स्तंभ जो आप जनसत्ता में लिखा करते थे जाहिर है अब तो बहिष्कृत हैं अब आपको कोई जगह नहीं दे रहा वहां पर लिखने के लिए तो आप कह रहे थे आत्मरति होगी मैंने कहा कि नहीं मैं कई बार आपके शब्दों के इस्तेमाल आ, पर अटक अटक जाता हूं और आ, अच्छा लगता है मुझे आ, रसरंजन भी आप ही का दिया हुआ शब्द है जिसे हम लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं आ, और आज भी आ, उसका एक उसको अमल में लाएंगे <laughs> दुष्कीर्ति है वागस्फीति दुरावस्था है साहित्य चूक भी बताता है चौकसी भी करता है स्वायत्त संस्थाएं बेवजह कायर हो गई है मैं आज ही पलट रहा था इन सबको मगर हमारी जैसी संस्थाओं पर भी टिप्पणी है वजूहात हमारे वो कि हमारी कायरता के तमाम वजह है हमारे आसपास लेकिन हम उम्मीद का हाशिया नहीं छोड़ेंगे आप ही के शब्द सिविल लोक नीति बनानी होगी सिविल विफलताएं बहुत ही रही हूं और बहुत सारे शलाका गिल्ड नए उभर रहे हैं एक खास तरह की भाषा की राजनीति भी उभर उभर रही है और आप तो दक्षिण और वाम से एक साथ जूझते रहे हैं आ, तो जो शब्द आपको आ, आपने गढ़े उन लोगों से संवाद करने के लिए उनसे विवाद करने के लिए जो शब्द चले या नहीं चले उन सब पर भी आ, सोचने की जरूरत है हम सबको जरूरत है सिर्फ आपको नहीं लेकिन शुरुआत आप कर दें बहुत बहुत शुक्रिया आ, 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 आप आपका सीएसटीएस में एक बार फिर मित्रों रविकांत जी ने मुझसे कहा कि आपको बोलना है तो बकबक -बक करने का तो मुझे खासा अभ्यास है और हिंदी जगत ऐसा है अगर आप इसमें भौतिक रूप से भगवक भगवक न करें तो आप उसके दृश्यता से गायब हो जाएंगे तो लेकिन जब इन्होंने कहा कि आपने जो शब्द गढ़े हैं उनके बारे में बताइए तो मुझे लगा कि ये तो आत्मरति होगी कि मैं अव्वल तो मुझे इसका ख्याल ही पहले नहीं आया था कि मैंने कोई विशेष शब्द गढ़े हैं पर जब इन्होंने कहा तो मैंने फिर सोचना शुरू किया तो उसके बारे में बात में आऊंगा लेकिन जो विषय मैंने रखा वो था शब्द और समय तो ये शब्द के लिए बहुत कठिन समय है क्यों तो शब्द के लिए कभी कोई अच्छा समय तो होता नहीं है लेकिन इस, इस समय वो बहुत ही कठिन है कठिन इसलिए है कि शब्द का इस समय सार्वजनिक मंचों पर बहुत ही भयानक और अभद्र इस्तेमाल हो रहा है आम, एक तरह की वाक हिंसा भी है घृणा झूठ पाखंड इन सब का माध्यम शब्द बन गए और दुर्भाग्य से हिंदी के शब्द बन गए और टेक्नोलॉजी के बहुत लाभ हैं, पर उसका एक नकारात्मक पक्ष ये है कि वो झूठ और घृणा को फैलाने और उनके शब्दों को फैलाने में बहुत तेजी से सक्षम हो गई और तेजी से सक्रिय है तत्पर है लव जिहाद जैसे शब्द मसलन इतनी तेजी से फैलते हैं एक बार मैंने एक हिंदी शब्द सागर ना मोटा है तो वो रखा हुआ था मेरी मेज पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था उसका जो आवरण है उस पर लिखा हुआ है एक लाख से अधिक शब्द तो यानी हिंदी में एक लाख से अधिक शब्द हैं तो मैं सोच के बड़ा हैरत में पड़ा कि अगर हमारी भाषा में एक लाख शब्द हैं तो उनमें से कितनों का हम इस्तेमाल करते हैं हालत तो यह है कि जिस भाषा में एक लाख शब्द हो उस भाषा में बहुत कम शब्दों से काम चलाया जा रहा है और यह हर स्तर पर है आप अगर सामान्य व्यवहार में देखें तो 2000 3000 शब्दों से काम चल जाता है मीडिया जो एक सार्वजनिक मंच है उसमें शायद अधिक से अधिक पांच हजार शब्द होंगे और अगर आप साहित्य यानी जो शब्दों का एक सबसे रचनात्मक रूप है वहां देखें तो वहां भी अधिक से अधिक बीस हजार शब्द होंगे तो एक तरह से भाषा की जो शब्द संपदा है उसके कुल एक बटा पांचवा हिस्से का इस्तेमाल होता है शब्द इस समय विस्मृति को भी लोकप्रिय बना रहे हैं। और कुल मिलाकर भाषा का अवमूल्यन हो रहा है कम से कम हिंदी का इस समय हिंदी गाली गलौज झगड़ लाछन नफरत भेदभाव अत्याचार इसकी भाषा बन गई है और एक लेखक के नाते इसलिए मुझे ये बहुत ही बेचैन करता है नाराज करता है लाचार भी करता है लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि मैं लेखक होने के नाते उम्मीद के हाशिए को छोड़ता नहीं मुझे याद आता है कि नाथसी जर्मनी की पराभव के बाद जर्मन कवियों ने बहुत छोटी छोटी वर्णनात्मक कविताएं लिखना शुरू की कुर्सी पर मेज पर पर तो इसको लेकर जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर कविताएं क्यों लिख रहे हैं तो एक कवि ने कहा कि जर्मन भाषा से उसकी मानवीयता का लोप कर दिया नाजियों ने इसलिए उसकी मानवीयता के पुनर्वास के लिए जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों के बखान से शुरू करें हमारी हालत इतनी खराब तो अभी नहीं हुई है हालांकि हर बार लगता है कि हम उसके और नजदीक पहुंच रहे हैं और हिंदी के अपने भाषाई संघर्ष के भीत तीन मुकाम हैं एक तो देववाणी संस्कृत जब हिंदी को तथा कथित तो शुद्ध हिंदी ऐसी कोई हिंदी तो होती नहीं है लेकिन बहरहाल जब शुद्ध हिंदी कहा जाता है तो अक्सर वो संस्कृत निष्ठ हिंदी होती है जिसको ना तो कोई बोलता है और ना ज्यादातर लोग समझते हैं दूसरा है अंग्रेजी और तीसरा है तीसरा संकट है हिंदी का राजभाषा राजभाषा हिंदी का एक ऐसा रूप है जो एक खग भाषा है उसको सिर्फ दूसरे खग समझते हैं उसको मनुष्य नहीं समझते साधारण नागरिक नहीं समझते जो लिखने वाला है वो भी नहीं समझता और जो पाता है उसको वो भी नहीं समझता और उस उसमें जो हिंदी है उसका बोलचाल की हिंदी से भी कोई संबंध नहीं है और साहित्य की हिंदी से भी कोई संबंध नहीं तो जो बोलचाल की हिंदी धीरे धीरे बढ़कर साहित्य में प्रवेश कर गई है और बड़ी बड़ी जगह में उसने वहां हासिल कर ली है उस हिंदी की कोई खबर राजभाषा को नहीं मैं जब मैं आप जानते हैं मैं सरकारी सेवा में था लेकिन उस समय मैं उप सचिव था जो कि बहुत ही छोटा पद होता है सरकार में तो एक मुझे फोन आया और कहा कि मुख्य सचिव आपको बुला रहे हैं अब मुख्य सचिव आपको बुला रहे हैं इससे आप वैसे ही कांपने लगते हैं क्योंकि उप सचिव को मुख्य सचिव क्यों बुलाएगा मुख्य सचिव के नीचे अपर मुख्य सचिव फिर प्रमुख सचिव फिर सचिव फिर संयुक्त सचिव और फिर बेचारा उप सचिव तो कहा साहब वो सचिवों की बैठक चल रही है उसमें बुलाया तो हमारे मुख्य सचिव थे रमा प्रसन्न नायक वो आखिरी आईसीएस बैच के अधिकारी थे तो मैं जब गया तो कहा बैठो हिंदी का एक मूर्ख वाक्य बताओ अब मैं इसके पहले के मैं समझू और समझू कि क्या चाह जा रहा है। मैं बैठ गया और जल्दी नहीं है तब तक मुझे सूझ गया वो मूर्ख वाक्य ये था और जो राजभाषा से लिया गया वाक्य है यानी ये तो आपको समझ में ही आ जाएगा कृपया अपना पत्र क्रमांक फला फला दिनांक 22 नवंबर 2021 का अवलोकन करने का कष्ट कीजिए <गल Zw sitten> तो मैंने कहा कि यह हिंदी का एक मूर्ख वाक्य है तो उन्होंने कहा क्यों मैंने शुरू किया कृपया हिंदी और उर्दू में क्रियापद को आदर सूचक करने की सुविधा है आइए बैठिए भाड़ में जाइए ये भी कहना हो आदर पूर्वक तो आपको अलग से कृपया कहने की जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि अंग्रेजी में प्लीज तो उसका एक अब उसके बाद दिनांक नहीं क्रमांक तो चलिए ठीक है दिनांक अगर दिनांक की जगह 22 नवंबर 2021 लिख दिया जाए तो कोई उसको दिनांक के अलावा क्या समझेगा वो तो उसकी इसको कहना जरूरी नहीं है फिर मूर्खता बाद में उसकी मतलब चरम पर पहुंचती है जब कहा, कहा गया था अवलोकन करने का कष्ट कीजिए अवलोकन लुक धातु अव उपसर्ग बना कृदंत अब क्योंकि कृदंत बन गया तो उसके लिए एक सहायक क्रिया चाहिए तभी लिखने वाले को यह याद आया कि इसमें सौजन्य पर्याप्त नहीं है इसलिए उसने कष्ट कीजिए अवलोकन करने का कष्ट कीजिए पांच शब्द कहे के लिए देखिए <laughs> यानी ये ऐसा लिखा जा सकता था ये वाक्य अपना बाईस नवंबर 2021 का पत्र क्रमांक देखिए लेकिन चूंकि इस तरह का एक घटाटोप बना दिया गया है और दुर्भाग्य से इस घटाटोप का एक बड़ा कारण यह है कि अगर आप संस्कृत शब्द का इस्तेमाल करें तो कुछ भाषा की गरिमा ऊंची हो जाएगी जबकि ये हास्यास्पद है और अब हालत यह है कि कुछ शब्द तो गंधाने लगे आपको शायद वो दुर्गंध नहीं आती होगी जैसे हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं संबोधन मित्रों जबकि हिंदी में वो मित्रों है दोस्तों है दोस्तों नहीं होता लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं इसका और ये एक अशुद्ध शब्द है जो कि उच्च स्तर से नहीं बोला जाना चाहिए पर बहरहाल बोला जाता है तो मेरे मन में एक तरह की दुर्गंध पैदा होती पर अब अगर शब्द की कुछ महिमा गाना भी जरूरी है ये तो मैंने बताया कि शब्द का दुरुपयोग कितना हो रहा है लेकिन साहित्य में एक बुनियादी सरोकार शब्द रहा है बल्कि एक तरह से आप यही कह सकते हैं कि शब्द और समय ये दो ऐसे अभिप्राय हैं जिनसे साहित्य लगातार जूझता है कैसे वो शब्द को अपने काम का बना सके और कैसे वो समय को या तो उससे जूझ सके या उसको चरितार्थ कर सके उससे बहस कर सके जो भी करना चाहे तो ये दोनों एक तरह से ध्रुव हैं आ, समय और शब्द अज्ञा एक प्रसिद्ध कविता है आज तुम शब्द दो न दो कल भी मैं कहूंगा आज नहीं कल सही चाहूं भी तो छाती में आग में चाहूं भी तो कब छाती तब छाती में आग छाती में दबाए आग में रहूंगा आज तुम शब्द दो न दो कल भी मैं कहूंगा शब्द ये फिर उन्हीं की एक कविता है शब्द ये सही है सब व्यर्थ है पर इसीलिए कि शब्दातीत कुछ अर्थ है और ये लेखक की एक बड़ी कवि की बड़ी समस्या है कि जो शब्दातीत अर्थ हैं उनको शब्द में कैसे ध्वनित करे कैसे उनको शब्द में लाए वो अनुभव सघन प्रेम का हो सकता है सघन कोई सुंदरता का हो सकता है जिसका भी हो कोई आध्यात्मिक आदि भौतिक अनुभव हो सकता है उसको शब्द में कैसे लाए उन्होंने शब्द और सत्य के बीच जो दूरी है उसका भी अन्वेषण अपनी एक कविता में किया है ये नहीं कि मैंने सत्य नहीं पाया था यह नहीं कि मुझको शब्द अचानक कभी कभी मिलता है ये दोनों जो सदा एक दूसरे से तन कर रहते हैं कब कैसे किस आलोक स्फुर में इन्हें मिला दूं, दोनों जो हैं बंधु सखा चिर सहचर मेरे यानी सत्य भी मेरे पास है और शब्द भी मेरे पास है लेकिन कैसे इन दोनों को मिलाऊं, यह कवि की समस्या है शमशेर बहादुर सिंह ने कहा शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा ये एक ऐसे व्यक्ति कवि द्वारा कहा जा रहा है जिसने मार्क्सवाद को अपने लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी बताया था वो कह रहा है शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है मुक्तिबोध के यहां मुक्तिबोध के यहां विचार का बहुत अधिक्य है एक तरह से पर उन्होंने लिखा ये विचार आते हैं लिखते समय नहीं पत्थर ढोते समय पीठ पर उठाते सम, वक्त बोझ सांप मारते समय पिछवाड़े बच्चों की नेकर फचीटते वक्त पत्थर पहाड़ बन जाते हैं नक्शे बनते हैं भौगोलिक पीठ कच्छप बन जाते हैं समय पृथ्वी बन जाता है तो विचार कब आएगा विचार के बारे में जो आमतौर पर धारणा है कि ये कोई बहुत ही मतलब इसके लिए कुछ ताम झाम चाहिए आपके पास बैठे हों फिर आप विचार करेंगे और फिर विचार यकार यकार पर प्रकट होगा इत्यादि कवियों के यहाँ विचार ऐसे नहीं आते वो तो काम आम करते हुए कुछ भी करते हुए जीवन की सहज प्रक्रिया में भाग लेते हुए विचार आते हैं अब शुरुआत के तौर पर मैं इस पर बहस नहीं करूंगा शब्द पहले आया कि समय पहले आया समय की अवधारणा कब आई ये खुदा जाने ये और लोग जो तकनीकी माहिर हैं वो जानते होंगे लेकिन शब्द जब आया तब समय का बोध भी अधिक गहरा हुआ और सच ये है कि शब्द और समय दोनों दोनों का संबंध सहकार और परस्पर द्वंद्व मनुष्य की लगभग स्थाई और अटल सच्चाई है मनुष्य ऐसी स्थिति नहीं सोच सकता अब मोक्ष इत्यादि मिल जाए उसके बाद तो मोक्ष मिल जाएगा तो मनुष्य ही क्या रहेगा ब्रह्मा ब्रह्मलीन हो जाएगा इसलिए मनुष्य तो बचेगा नहीं बट जब तक मनुष्य है तब तक ये उसकी अटल इकाइया हैं यानी शब्द और समय बल्कि मैं ये बात कहता रहा हूं कि भाषा मनुष्य का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार है बाकी जो क्रांतियां हैं वैचारिक और राजनीतिक और आर्थिक वो सब इस बुनियादी क्रांति के फुट नोट से असली क्रांति तो भाषा है इसका एक अभिप्राय यह है कि ये पृथ्वी पशुओं पक्षियों प्राणियों सबके लिए पृथ्वी है पर मनुष्यों के लिए ये संसार भी है और पृथ्वी को संसार में बदलने का काम भाषा ने किया है भाषा एक क्रांतिकारी आविष्कार है ठीक वैसे ही जैसे अमूर्तन एक क्रांतिकारी आविष्कार है जिससे फिर ईश्वर और अध्यात्म और गणित और संगीत और जाने क्या क्या पैदा होता है, है? हाँ और भाषा भी एक तरह का अमूर्तन ही है आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि अमूर्तन जो है वो बुनियादी क्रांति है आ, समय के साथ शब्द बदलते हैं और नए शब्द गढ़े जाते हैं अभी ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसी ने हमको और कभी एक बड़ी मधुर कंठा ने मुझे फोन पर कहा कि मैं आपको जल्दी ही सेंड करती हूं। तो मैंने कहा हो सके तो भेज दीजिए <laughs> तो अब ये इस तरह के शब्द भी बहुत आ गए हैं एक पूरी नई जमात शब्दों की पैदा हो गई है एक जमाना था जब हम टेलीफोन और टेलीविजन के लिए हिंदी पर्याय खोजने की मूर्खता करते थे और दूरभाष और दूरदर्शन जो कि अब एक चैनल का नाम हो गया उस जमाने में दूरदर्शन शब्द गढ़ा गया था जैसे आकाशवाणी गढ़ा गया था रेडियो के लिए तो अब दूरभाष का कोई उपयोग तो करता नहीं लेकिन बहरहाल शब्द इस तरह के गढ़े गए थे और पुराने शब्दों में कुछ नए अर्थ भरे जाते हैं आप सब लोग तो समाज विज्ञान के लोग हैं इसलिए आप तो ये जानते ही होंगे कैसे शब्दों के अर्थ जो हैं वो बदलते जाते हैं और नए नए अब ये शब्द कोश है यानी जो हमारी पूरी शब्द संपदा है वो असल में वस्तु जगत और भाव जगत इन दोनों का कोश है और स्मृति का भी कोश है यानी तीन ऐसे धाराएं हैं जिनसे मिलकर हमारी शब्द संपदा बनती है। नए नाम तो खैर आते ही हैं और कुछ पुराने नाम, जैसे हम हम लोग समझते थे कि रथ जो है अब शब्द कोश में है या पुराने साहित्य में है वैसे तो रथ होगा नहीं जब अडवाणी जी ने ही एक खूंखार रथ चलाया तब दोबारा से रथ आया और फिर उससे जो आ, उसके जो दुष्परिणाम हुए वो भी उस रथ के साथ जुड़ गए तो ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं जो हमारे वस्तु जगत से गायब होती रहती वो हमारे वस्तु जगत में अब नहीं रह, रह गई हैं लेकिन उनका बग ही नहीं रह गई है मसलन शायद बकिंग पैलेस आखिरी जगह होगी जहाँ अभी भी बग्घी है लेकिन बाकी तो बग्घी कहीं नहीं रही बहुत जगह पर्यटन पर्यटन के लिए शायद होती होगी तो होती होगी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे पुराने खेल पुराने मसाले पुराने पशु पक्षी ये सब भी धीरे धीरे गायब होते रहते हैं क्योंकि हमारा वस्तु जगत और उनसे जुड़ी हुई क्रियाएं भी बदलती रहती और कोई भी भाषा आखिर भाषा किसी शून्य में तो आकार नहीं लेती वो दूसरी भाषाओं के पड़ोस में होती है इसलिए बहुत सारे शब्द दूसरी भाषाओं के आसानी से आते रहते हैं और हम शब्दों को कई बार वैसे के वैसे स्वीकार कर लेते हैं और कई बार उनको बदल देते हैं अब लेंटर्न मस्ट हेडमीन ए ट्विस्टर तो हमने उसको लालटेन कर दिया और बाद में जब रेल गाड़ी चली तो रेल तो हमने उनसे ले लिया और गाड़ी अपनी लगा दी तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते रहे हैं जिनको हम बनाते रहे हैं और चशवा मिबोश ने अपनी एक कविता में कहा था कि मेरी भाषा मेरा माप है यानी आपकी मानवीयता विप विपुलता समृद्धि वैचारिक सघनता इस बात से तय होती है कि आपके पास कितने शब्द हैं, यानी आपकी भाषा कितनी विस्तृत और विपुल है और उसमें चीजों को की व्याख्या करने उनको समझने के कि कितने प्रकार और कितने विधियां हैं अब शब्द गढ़ने का काम करता कौन है? नए नए शब्द गढ़े जाते हैं अब मुझे नहीं मालूम कि लालटेन किसने कहा पर बहरहाल जैसे गैस पत्ती को पंचलाइट रेणु की एक कहानी है जिसमें जो गैस होती थी ना जिसमें ऐसा वो भरते थे उस जमाने में तो पंचलाइट क्योंकि पंचों के यहां वो शायद गैस होती होगी ग्राम पंचायत में ही होती होगी बाकी लोगों के पास नहीं होती होगी तो उसका नाम भाषा ने पंचलाइट कर दिया तो सबसे पहले तो शब्द साधारण लोग ही बनाते हैं और इसका मैं आपको आगे उदाहरण दूंगा मैं जब यहां से पढ़ता था तो दिवाली दशहरे की छुट्टियों में घर जाता था तो यहां से पंजाब मेल या पठानकोट एक्सप्रेस पकड़ के बीना नाम का एक स्टेशन था वहां, रुकता था, वहां से एक बेहद धीमी चलने वाली पैसेंजर गाड़ी सागर जाती थी तो एक बार मैं जा रहा था और पता नहीं उस समय थर्ड क्लास भी होता था मतलब थर्ड क्लास का भी डिब्बा होता था तो उसमें मैं बैठा था और चार पांच किसान बैठे थे लेकिन हालांकि बेंचें खाली थी वो नीचे बैठे थे अब खुदा जाने क्यों बैठे थे नीचे लेकिन बाहर नीचे बैठे एक आगा सौद नाम का स्टेशन है तो वहां जब हम पहुंचे और गाड़ी रुकी तो सूर्योदय हो रहा था लेकिन बारिश भी हो रही थी तो जो बूंदें गिर रही थी वो सोने जैसी चमक रही थी तो ये एक किसान ने दूसरे किसान से बुंदेलखंडी में कहा कि देखो कैसो चमकतार बरस रहो चमकतार ये शब्द मैंने पकड़ लिया और वहां सागर विश्वविद्यालय में हमारे एक मित्र थे कांति कुमार जैन हाल ही में उनका देहावसान हुआ तो वो बुंदेलखंडी के का कोष उन्होंने बनाया था तो मैंने उनसे पूछा कि ये चमकतार शब्द बुंदेलखंडी में है क्या तुमका नहीं तो मैंने इस पर एक कविता लिखी पहले तो मैंने इसका एक उपयोग किया अपनी एक कविता में एक खिड़की के पार चमकदार अंधकार तो जो भारतीय ज्ञानपीठ उन दिनों होता था बनारस में छपता थी उस, मतलब छापा खाना तो उसने मेरी कुंद जहनी पर तरस खाके उसको प्रूफ को ठीक कर दिया उसको चमकदार कर दिया तो जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता खिड़की तो के पार चमकदार अंधकार का क्या मतलब हुआ लेकिन बहरहाल तो मैंने अपने सामने एक शब्द को जन्म लेते देखा तो मेरे लिए बहुत ही रोमांच की बात थी मैंने इस पर एक पूरी कविता ही बाद में लिखी कि कैसे ये चमकदार शब्द हमने देखा फिर लेखक विद्वान लोग शब्द बनाते हैं हम लोग ही अपने कई बार अनुवाद से नए शब्द बनते हैं मीडिया ज्यादातर तो मीडिया ही ऐसे शब्द बनाता है जो बहुत ही मतलब संप्रेषणीय तो होते हैं भले लेकिन जो अक्सर कहर बर्फा करते हैं फिर नई टेक्नोलॉजी नए शब्द बनाती है और नई वैचारिकी भी नए शब्द बनाती है हाँ जैसे अब आप तो ये तो हुई व्यापक शब्द कथा पर मैं अपनी शब्द कथा कहूं यानी थोड़े बहुत शब्द जो मुझे समझ में आए कि मैंने जिनका एक तो यह है कि शब्द आप जब कहते हैं कि आपने ये शब्द गढ़ा तो अक्सर ये आधा सच होता है इसलिए कि आप नया शब्द तो गढ़ ही नहीं सकते आप दिए हुए शब्दों के किसी नए संयोजन से एक नया शब्द बना सकते हैं क्योंकि शब्द तो बहुत पहले से बने ही हुए हैं अः मेरी अपनी जो आ, शब्द की बनाने की थोड़ी बहुत आ, शब्द गढ़ने की थोड़ी बहुत क्षमता है वो तीन स्रोतों से आई है एक तो संस्कृत से आई है दूसरी अंग्रेजी से आई है तीसरी उर्दू से आई है और उससे शब्द बनाने में मदद मिलती रहती है अब जैसे कई वृत्तियां हैं भाषा में एक वृत्ति है शुद्धता की आ, मैं उस वृत्ति से सहमत नहीं हूं और मैं तो ये मानता हूं कि सारा भारत ही शुद्धता का एक असमाप्त उत्सव है इसलिए शुद्धता का आग्रह चाहे किसी तरह की शुद्धता हो भाषिक हो या जैविक हो या धार्मिक हो संभव ही नहीं है और ये हास्यास्पद है लेकिन बहरहाल ऐसे लोग हैं जो शुद्धता का आ, और इसका प्रभाव स्कूल शिक्षा इत्यादि में बहुत है आप पाएंगे कि ज्यादातर स्कूलों में सबसे नापसंद करने वाली जो अध्यापिकाएं होती हैं अक्सर वो हिंदी पढ़ाने वाली होती हैं और वो हिंदी पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं या अध्यापक भी अक्सर बच्चों को ये शुद्धतावादी दृष्टि से पढ़ाती मेरा पोता पढ़ता था सरदार पटेल विद्यालय में और उसको अगर कहीं वो उर्दू का कोई शब्द लिख दे जो स्वाभाविक रूप से बोलते हुए उसको ठीक लगा होगा तो उसको सुधार कर वो उनकी अध्यापिका संस्कृत वाला रख दी थी उस जगह में गया तो उन्होंने कहा नहीं उस स्थान पर मैं गया तो अब उसके मन में पैदा हुआ उसको ये भ्रम था कि उसका बाबा जो मतलब उनका आ, आ, हिंदी का कुछ बड़ा आदमी है तो मुझसे पूछा कि ये जगह है कहना कुछ गलत है क्या नहीं गलत, क्यों क्या मतलब कि अर्थ में कह रहा उसने कहा नहीं उन्होंने स्थान कर दिया तो ये इस तरह की एक शुद्धतावादी दृष्टि करती है बहरहाल मैंने उसका कभी आ, पालन नहीं किया दूसरा ये हो सकता है कि आपको कोई जटिल या अब जैसे अंग्रेजी में एक लंबा वाक्य कहने की या लिखने की सुविधा है पर हिंदी में इतना लंबा वाक्य लिखने से विभक्ति के कारण गड़बड़ी पैदा होती है अब विभक्ति जो है हिंदी में वो मतलब पारंपरिक विवाह में जो धर्म पत्नी है उसकी तरह होती है वो अपने कारक के साथ ऐसी जुड़ी होती है कि उसको अगर आप अलग कर दें तो वो संबंध विच्छेद हो जाएगा लेकिन जो सारी राजभाषा है उसने चूंकि अंग्रेजी में लंबा वाक्य होता है इसलिए वो उतना ही लंबा वाक्य हिंदी में बनाते हैं और इतना गड्ढम हो जाता है वो कि आप समझ ही नहीं सकते सी के निदेशक ने कामा जो अभी हाल में ही पदोन्नत होकर आप बहुत पदोन्नत होगी ऐसे आए हैं कामा कहा कि अब ये यानी करता और उसके बाद एक मील भर लंबा उपवाक और फिर आई विभक्ति ने तो इस तरह के हास्यास्पद लेकिन वो अनुवाद से अटपटापन पैदा होता है और फिर इसका मजाक बनाया जाता है दूसरे भाषी भाषी के ये क्या साहब देखिए ये हिंदी है ये शुद्ध हिंदी है वगैरह लेकिन और कई बार जो शब्द कवि की एक समस्या ये भी है कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं प्रचलित हैं और उनका इस्तेमाल वो नहीं करना चाहता तो उनको छोड़ना पड़ेगा जैसे हम कोई कभी शायद ही बोलते हो परंतु ना? लेकिन लेकिन बोलते हैं? अब लेकिन लिखता हो और मुझे मैं जब काहिरा गया आप लोग जानती होंगे कि वहाँ लेकिन कहते हैं वो लेकिन जैसे हम लोग तो एक वैसे बोलते हैं लेकिन वो लेकिन बोलते हैं और मेरा जो वहाँ एक वो था दुभाषिया वो बहुत ही आलसी था और वो दो ही शब्द कुल मिला के जो मेरे समझ में आए वो लेकिन अमुमकिन जैसे उससे हमने पूछा कि भाई कल हम लोग पिरामिड देख सकते हैं तो बोला, तो बोला मुमकिन मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो कल तो देख लेंगे तीन दिन हो गए उनके सामने ठहरे हुए होटल में जा नहीं पा रहे थोड़ी देर आधे घंटे बाद बोला लेकिन कल तो पिरामिडों की छुट्टी है तो वो इस तरह के अगर आप उस ऐसे शब्द सोचना शुरू करें तो कहां कहां से शब्द आए हैं मसलन कबीर मुसलमान का जिक्र मुसलमान की तरह नहीं करते तुर्क कहते हैं क्योंकि उस तक, उस समय वो सब सब तुर्क तुर्कस्तान से आए मतलब तुर्की से आए ऐसा आ, माना जाता था हालांकि उनमें तुर्की से कितने आए थे लेकिन बहरहाल तो शब्दों को ये जो अलग अलग स्थितियां हैं उनको संबोधित करने के लिए कैसे आप किन शब्दों का कैसा इस्तेमाल करें इस पर अगर आप सोचने लगे तो ऐसा भी होता है शब्द अथक प्रतीक्षा करते हैं मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं अग्गे जी ने अपनी एक कविता द्वितीया के प्रति मैं एक शब्द का इस्तेमाल किया है उस अत्यंत गता वगैरह कुछ है अब अत्यंत गता शब्द जो है वो भवभूत के उत्तर रामचरित में इस्तेमाल हुआ है जब सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया गया है और बाद में राम कुछ शोकाकुल हो रहे हैं तो अपने हाथ को संबोधित करके एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि उस अत्यंत गता को छोड़ते हुए तू नहीं कांपा अब क्यों काप रहा है तो अत्यंत गता शब्द भवभूति में मुझे जहां तक जानकारी है अत्यंत गता शब्द का इस्तेमाल फिर एक डेढ़ हजार वर्ष किसी ने किया ही नहीं आमतौर पर दिवंगत का इस्तेमाल होता है के हाँ वो शब्द फिर से जागा तो ये भी एक यानी शब्द के पुनर्जन्म का का उदास भी कई बार कवियों के यहां देखा जा सकता है कि ऐसा शब्द जो लोग भूल चुके हों जो शब्द कोश में दस्तफन हो चुका हो वो यकायक जाग जाता है जैसे मैंने आपसे कहा था चमकदार शब्द वैसे ही हमारे बुंदेलखंडी में कहते थे अलगंट निशाना हाँ अलगंट का मतलब आप अचूक हाँ। तो उसको अलग करके जिसको आप निशाना लगा रहे हैं उसको इधर उधर जो चीजें हैं अलग करते तो अलगंट तो मैंने इस कविता इसका भी अपने कविता में कहीं इस्तेमाल कर लिया फिर कहते थे बरकाना यानी भाई इसके इसको बरका के चलो यानी इसको थोड़ा छोड़ के डिविएट करके चलो तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं जो याद आ जाती हैं हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं मेरे आरंभिक साहित्यिक जीवन में राम मनोहर लोहिया की हिंदी का बड़ा प्रभाव था राम मनोहर लोहिया ने एक टिप्पणी लिखी थी कल्पना में आगे देखू और पीछे देखू आधुनिकता उन्होंने आधुनिकता के दो रूप बताए थे एक आगे देखू एक पीछे देखू तो और जब वो बोलते थे तो ऐसे बहुत सारे आम फहम जो शब्द है उनका बड़ा इस्तेमाल करते थे उसी समय मैं आलोचना लिखने की ओर प्रवृत्त हो रहा था और मैं बहुत त्रस्त था यहाँ डॉक्टर नगेंद्र वगैरह की जो हिंदी थी जिसमें मान लीजिए आपको धन्यवाद देना है तो वैसे भी होता है आप कभी हिंदी के किसी आयोजन में जाइए तो धन्यवाद देना काफी नहीं है वो धन्यवाद देगा शुक्रिया कहेगा आभार व्यक्त करेगा तो सात चीजें कहेगा जब वो स्वागत करेगा तो स्वागत करेगा अभिनंदन करेगा ये सब करे तो वो अतिशयता एक है उसमें एक तरह की खुद जाने क्यों तो मैं मैं उससे बहुत था और मैं अकादमिक जो आलोचना की भाषा थी वो बहुत ही जड़ और उबाऊ और किताबी हो चुकी थी आ, वो कभी रही होगी काम की तो हमारे काम की थी नहीं तो मैंने लोहिया से सबक लेके ऐसे बहुत सारे शब्दों का आलोचना में इस्तेमाल करना शुरू किया जो उसके पहले आलोचना में मतलब धारणाओं या या विश्लेषण के औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं किए गए थे जैसे पहचान सरोकार बखान बयान पड़ताल तलाश रूमानियत सपाट रुचि की या दृष्टि की समझ, पकड़, काम चलाओ उठाई गिर जरूरत बोलापन रूमान ब्योरे ये सब मेरी आलोचना की मैंने फिर पलट अलट के देखा कि क्या शब्द हैं तो इतने निकले अब इन ये सब शब्दों के इस्तेमाल के और उस समय फिर उस संग्रह उस पुस्तक का नाम भी मेरी पहली आलोचना पुस्तक का नाम भी था फिलहाल तो उसके कोई पंद्रह संस्करण निकले हैं जो आलोचना की पुस्तक के लिए जबकि वो आ, फिर मैंने पाया कि तत्सम की हिंदी से कुछ आ, उसका देश निकाला जैसा हो गया यानी तत्सम तो शब्द जो हैं तो एक मैंने पत्रिका निकाली उसका नाम था जिसका जिक्र किया आपने पूर्वग्रह अब उसकी एक कहानी है कि उस समय मैं एक पत्रिका निकालने की सोच रहा था तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी के बड़े कवि थे उनकी एक चिट्ठी आई इसमें उन्होंने लिखा कि तुम्हारे मित्र रमेश चंद शाह की समीक्षा मैंने पढ़ी उनकी कविता संग्रह की समीक्षा उन्होंने की थी लगता है कुछ पूर्वग्रह मन में रख लिखी गई है आलोचना को तो बिना पूर्वग्रह के होना चाहिए तो पूर्वग्रह शब्द उन्होंने दो बार इस्तेमाल किया अब हिंदी में वही जिस अतिशयता का मैंने जिक्र किया उसका एक उदाहरण यह शब्द भी है ज्यादातर लोग इसको पूर्वाग्रह लिखते हैं मूल धातु तो है ग्रह उसमें उपसर्ग लगा आ तो आग्रह बन गया लेकिन उसमें अगर आप फिर एक उपसर्ग लगाए यानी पूर्व तो फिर आ की जरूरत नहीं रह जाती तो तो जी ने पहली बार संभवतः पहली बार आ, इसका ठीक ठीक पूर्वग्रह के रूप में इस्तेमाल किया अब मैं उनको चिट्ठी का जवाब देने टाइपराइटर पर बैठा तो मैंने उनसे लिखा कि देखिए अगर लेखक को यह छूट है कि वह अपने पूर्वाग्रहों के साथ रचना लिखे तो आलोचक को छूट क्यों नहीं है कि वो अपने पूर्वाग्रहों के साथ आलोचना लिखे पूर्वाग्रहहीन चित्त तो योगी का होता होगा या ब्रह्म का होता होगा तो लेखक और आलोचक दोनों ना तो ब्रह्म हैं ना योगी हैं। योगी के मूल अर्थ में उस अर्थ में नहीं जिसमें आज योगी शब्द इतना भ्रष्टार्थ हो चुका है तो बहरहाल अः उस समय मैं पत्रकार निकालने की सोच रहा था मैंने सोचा ये अच्छा शब्द है तो मैं फौरन दिल्ली फोन किया पता किया कि भाई इस नाम से कोई रजिस्टर तो नहीं है तो फिर ये पूर्वग्रह नाम बना उसका बुनियादी पूर्वग्रह ये था कि हिंदी आलोचना इस समय स्वयं रचनाकारों द्वारा लिखी गई आलोचना है और बाकी जो अकादमिक और दूसरे किस्म की आलोचनाएं हैं वो प्रासंगिक हो गई है। फिर उसके पहले मैं जब सागर में सत्रह अठारह बरस का था तो मैंने नए साहित्य की एक पत्रिका निकाली उसका नाम रखा समवेत। समवेत पहला फिर पूर्वग्रह फिर हमने एक पत्रिका निकाली बहुवचन क्योंकि ये आइडिया ऑफ प्लुरैलिटी को कैसे आ, वो करें तो बहुवचन तो बहुवचन पहले अंग्रेजी में भारत भवन से निकली थी फिर जब मैं कुलपति हुआ एक विश्वविद्यालय का तो उससे एक पत्रिका निकली अभी निकलती है उसका नाम है बहुवचन फिर समास अरूप जिसका एक अंक अनन्या जी ने अतिथि संपादित किया है दूसरे अंक का मुझे अभी पता नहीं क्या होगा तो बताएंगे वो बाद में मुझे स्वर मुद्रा ऐसे बहुत सारे नाम आ, फिर कई बार अब मेरे मित्र थे एक डीपी त्रिपाठी आप जानते होंगे उन्होंने मुझे फोन किया ये कि कॉकटेल के लिए कोई हिंदी में शब्द नहीं है फोन फोन पे मैंने कॉकटेल हाँ कॉकटेल के लिए शब्द तो बात करते करते मैंने कहा कि हाँ रात के कॉकटेल के लिए तो रंजन तो होता ही ना रंजन का रस रंजन तो मैंने कहा देखिए उसमें रस तो ही है ना मुख्य और रंजन मतलब जि, मनोरंजन और तो रस रंजन शब्द मैंने उनसे फोन पर ये कहा इसको बंद कर दिया बंद कर दीजिए कैसे मुझे आता भी नहीं कैसे बंद होता आ, तो ऐसे रसंजन शब्द बन गया अब चल भी गया एक हिंदी में एक शब्द चला हुआ है विमोचन किसी पत्रिका का विमोचन इत्यादि तो अव्वल तो उसको विमोचन का मर्थ होगा उसको मुक्त करना हाँ। तो अभी जब भी कुछ है ही नहीं तो उसको मुक्त कैसे कर दोगे काहे से मुक्त कर रहे हो तो अज्ञे जी ने शब्द बनाया लोकार्पण तो उनका शब्द है। तो मैं उसी का इस्तेमाल करता हूं और बहुत सारे लोग भी करते हैं लेकिन शब्द जो प्रचलित है वो है विमोचन फिर इसी संस्कृत की संपदा से मैंने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है महत्व बोध विन्यास प्रश्नांकन प्रश्नवाचकता उपस्थिति पश्चगामी पश्चात्मक विपुलता प्रतीक बिंब व्यवस्था चरितार्थ अंतकरण सघनता उत्कटता दीप्त अज्ञात कुलशील उत्सव धर्मिता सत्यापन भंगुरता महिमा मंडन अवमूल्यन अधिमूल्यन वाग्स्फीति लय भंग स्वायत्त रंग क्षुब्ध रंग दीप्त रंग दग्ध एक वचन आपदर्म जि विषा आदि ये बहुत सारे शब्द जिनका पहले आलोचना में इतना इस्तेमाल शायद नहीं हुआ होगा या मुझे भ्रम है न जाने किसी ने करी लिया हो फिर उर्दू से बहुत सारे शब्द मिले जिनका जैसे आपको असर्ट करना है तो एसर्ट करने के लिए इसरार कर तो इस तरह से हमने बहुत इसरार एहतराम बारहा गैब फिलहाल फिलव अ मुकाम दरअसल हिम्मत हिमाकत हिकमत गैब टुचापन वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे शब्द वहां से लिए अब एक दिलचस्प बात यह है कि कई बार जब आप अनुवाद करते हैं और मैंने पोलिश के चार बड़े कवियों के अब तो पांच हो गए पांच कवियों के अनुवाद किए अब मुझे पोलिश आती नहीं हम पोलिश की एक विदुषी है जिनको हिंदी बहुत अच्छी आती उनके साथ मिलके किया तो अब ऐसी स्थिति बनी कि कई जगह चर्च की बहुत सारी सामग्री का जिक्र है और कई बार ईसाई अभिप्राय हैं जोशामी ओष में खासकर तो उनका आप कैसे तो पहले तो मैं सोचा कि इसको छोड़ देना चाहिए फिर मैं सोचा देखें शब्द कोश में शायद शब्द मिल जाए तो ऐसे बहुत सारे शब्द मुझे मिले जिनके अस्तित्व के बारे में मैं जानता ही नहीं था कि ये मेरी भाषा में है तो अनुवाद के कारण मुझे ये शिनाख्त करने का मौका मिला कि मेरे शब्दकोश में मेरी भाषा के शब्दकोश में ये शब्द हैं मसलन शिंगरफ किरमिजी इश्क पेचा तिमिंगल मुटरीपन गुरगाबिया कहरुबा में कीड़े की तरह एक कविता थी जेबनीरबैथ की जिसमें गुलाब को स्त्रीलिंग इस में इस्तेमाल किया गया गुलाब को अब गुलाब तो हमारे यहां पुल्लिंग है गुलाब खिलता है खिलती नहीं है तो अब क्या करें तो हमने गुलाब को स्त्रीलिंग कर दिया और ऐसा करते हुए मुझे ये याद आया कि हमारे यहाँ छायावादी कवियों दो उदाहरण है एक है सुमित्रंदन पंत का जिन्होंने प्रभात के प्रभात जो के पुल्लिंग है वैसे उसका स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया है और कछार जो पुल्लिंग है गंगा का कछार प्रसाद जी ने वरुणा की शांत कछार तो कछार जो है उसको स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया है तो हमने कहा जो दो बड़े कवियों ने किया है तो हम छुट ये भी क्यों नहीं कर सकते तो हमने गुलाब को बगीचे में एक गुलाब उग रही थी फिर कई बार ऐसे शब्द उसमें एक कोई एक्सप्रेशन था आंखों को कनखियाना कनखियाना आंखों से कनखनी कनखनी कन, तो वो शब्द है लेकिन कनखियाना फिर कुछ मेरी रुचि इसमें जागी कि ऐसे शब्द जो इस समय पिछले पंद्रह बीस बरस में गांधी के बहुत सारे शब्द उनका मैंने साहित्य और कलाओं के क्षेत्र में इस्तेमाल करना शुरू किया स्वराज यानी स्वायत्तता के लिए साहित्य का स्वराज या कलाओं का स्वराज फिर सत्याग्रह जैसे ये कि साहित्य जो है वो सरलीकरण समग्रीकरण और सामान्यकरण के विरुद्ध अथक सत्याग्रह है इस तरह का ये इस्तेमाल फिर सविनय अवज्ञा के हमारे समय में साहित्य को सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा होने के अलावा और कोई नैतिक विकल्प नहीं है असहयोग वगैरह तो इस तरह से वो शब्दों का एक और ऐसे भी शब्द हैं जिनका मसलन नोटिस अब ये शब्द ट्रेजिक मैंने पहले पहले ही आलोचना पुस्तक की भूमिका में मैंने साहित्य की एक अवधारणा प्रस्तुत करने की कोशिश की थी जिसको मैंने कहा था कि ये साहित्य की एक ट्रेजिक अवधारणा है कि साहित्य हमारे समय में उन शक्तियों में से नहीं रहा जो मानवीय स्थिति को प्रभावित कर सकती है या बदल सकती हैं लेकिन हमको ऐसे लिखना चाहिए मानो कि हमारे लिखने से फर्क पड़ता है तो ट्रैजिक तो अब उसको आ, किसी और तरह से कहना मुझे ठीक नहीं लगा तो मैंने ट्रेजिक शब्द का इस्तेमाल किया नोटिस का आ, कि, ऐसे और भी है हाँ बहुत मुझे ठीक से याद भी नहीं तो कुल मिलाकर शब्द जो हैं वो एक तो आपके पास आते हैं दूसरे शब्द शब्दों को याद करते हैं कविता लिखने वाला सब कुछ पहले से सोच के तो लिखता नहीं है और उसको याद आते हैं और कई बार वो शब्द कई शताब्दियों पहले के हैं जो आपको याद आते हैं आ, कभी आपको कबीर का कोई शब्द याद आ जाएगा शून्य शिखर पर ना बार अब मैंने इस पंक्ति का इस्तेमाल ये कहने की किया है कि कवि की महत्वाकांक्षा इससे कम की नहीं हो सकती कि वो शून्य के शिखर पर दिये बारने का जोखिम उठाए तो शब्द ऐसे भी आते हैं और यानी कहाँ से शब्द आएगा ये कहना मुश्किल है कब आपको शब्द गढ़ना पड़ेंगे ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि किस ताप में किस उत्तेजना में किस दबाव में आपको शब्द बनाएंगे या बनाना चाहेंगे महाराज इतनी लंबी कथा है शब्द कथा अनंता बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपने काफी विशद भूगोल कवर किया और कालखंड भी और बहुत सारे लोग और बहुत सारी बहुत सारे स्रोतों का जिक्र भी किया जैसा कि अंदाजा था आ, कि ये आ, इस ये विषय हमारे लिए आ, काफी दिलचस्प होगा कुछ सवाल आए हैं आ, 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 लोग जो सुन रहे हैं आ, इंटरनेट पर आ, उनकी ओर से आ, इस आ, आ, मैं मेरे अपने कुछ आ, सवाल हैं और कुछ बातें हैं जो मैं रखूंगा लेकिन फिलहाल मैं उनको आ, पाक करके रखता हूं बगल में एक बात जरूर मैं आपसे पूछना चाहता था उन सवालों से अलग वो ये कि आप टाइपराइटर इस्तेमाल करने वाले कम लोगों में से एक हैं मंटो का टाइपराइटर बहुत मशहूर है और वो फटाक से लिख करके अपना दे देते थे आ, लेकिन वो हाथ से भी लिखते थे आप टाइपराइटर पे पर लिखने के लिए मशहूर हैं उसमें उसको लेकर के मेरा कई बार मन हुआ और मेरी बातचीत हुई नहीं कभी इस विषय पर आपसे तो मैं जानना चाहता था कि उसको लेकर क्या क्या अड़चने आपने महसूस की शब्दों को लिखने में या क्या फायदे हुए और कब हुए उसकी एक यात्रा होगी आप लिखने ऐसा था देखिए हमारे पिता विश्वविद्यालय में उपकुल सचिव थे और उन दिनों मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा ख्याल था कि मेरी हस्तलिपि बहुत अच्छी नहीं है और पत्रिकाओं को कविताएं भेजना हो तो मेरी उम्र तेरह चौदह साल की थी और मैंने बच्चों के पृष्ठ पर कभी नहीं लिखा और अपनी उम्र छुपाता था कि कहीं ये जान ना जाए कि ऐसे बिल्कुल तेरह चौदह साल का लौड़ा है। इसकी क्या कविता है तो उसमें मैंने वो टाइपराइटर सीखा लेकिन बाकायदा नहीं सीखा तो उंगली से। तो उससे मुझे ये लगा कि एक तो वो टाइप होके मुझसे अलग हो जाती तो मैं उसको थोड़ा वस्तुनिष्ठ ढंग से देख सकता हूं कि कैसे लगती है उसमें तो इससे शुरू हुआ अब फिर हाथ से लिखना मुझे आता है और मैं ये सब हाथ से लिख के लाया हूं लेकिन धीरे धीरे मेरी इस टाइपराइटर पर ऐसी निर्भरता हो गई कि अगर इस टाइपराइटर का गला घोट दिया जाए तो मेरा भी गला घुट जाएगा तरह तरह के टाइपराइटर होते रहे फिर जब हम वहां से बेआबरू होकर निकाले गए भारत भवन संस्कृति विभाग से तो उस समय एक टाइपराइटर ने बड़ी मदद की टाइपराइटर ने मदद की कि हाथ से लिख मैंने एक पूरी पुस्तक ही टाइपराइटर पर लिखता जो कि कलाओं पर थी उसका हाँ उसकी भी बड़ा उसका नाम है समय से बाहर उसमें कल्पना ये थी कि, कि कलाएं एक दूसरा समय रचती हैं दिए हुए समय और ऐतिहासिक समय के बरक्स अब लेकिन दुर्भाग्य से हिंदी में अदर के लिए जो शब्द है वो दूसरा है उस अन्य समय कहने से वो बात नहीं बनती मतलब उसमें मुहावरे का वो नहीं है तो मैंने वो छोड़ दिया यद्यपि उसकी भूमिका तो दूसरा समय है लेकिन मुझे इस कोई और शब्द नहीं मिल पाया कि मैं अदर टाइम यानी अगर अंग्रेजी में होती पुस्तक तो, the other time. Now, what is the other? तो अदर टाइम व्हाट इज दूसरा कहना पड़ा अन्य कहने से बात नहीं बनती तो मैंने छोड़ दिया था तो बहरहाल तो वो पूरी किताब ही टाइप राइटर पर लिखती गई अब मैं जब यहाँ था तो एक हमारे मित्र थे इंदौर में वो हमारे तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारा टाइपराइटर हम सर सरकारी टाइपराइटर के तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हमको एक छोटा टाइपराइटर कोई मिल जाए कहीं तो उनका हमारे वो बैंक में थे हमारे बैंक में तो बहुत सारे टाइपराइटर वो हो गए हैं भट्टे खाते में फेंक दिए गए हैं तो हमारे यहाँ तो चल के आप देख लीजिए जो हो ले लीजिए अब तो मैंने जो अब जो टाइप मेरे पास है वो उन्नीस से मेरे पास है और टेक्नोलॉजी के नई टेक्नोलॉजी नई विधियां इत्यादि सीखने के प्रति मेरे मन में कुछ एक पूर्वग्रह है मैं कुछ अब नया नहीं सीखना चाहता हूँ तो मेरे एक बार ये अपने रघुराय रघु राय आप जानते हैं उन्होंने संगीतकारों के बहुत अद्भुत फोटोग्राफ्स लिए तो एक किताब हम लोग मिल के लिखी मैं टेक्स्ट लिखूं और वो वो किताब निकली है ग्रेट मास्टर्स इंडिया के साथ बहुत ही बढ़िया तस्वीर है मसलन मल्लिकार्जुन मंसूर एक ट्रैक्टर खड़ा है वो, वो खेत में खड़े हैं अब ऐसा चित्र कहाँ मिलेगा मल्लिकार्जुन मंसूर का बहरा तो उसमें मैंने एक दिन सुबह सोचा मेरे बेटे ने कहा कि तुम ये अंग्रेजी अंग्रेजी में हाथ से लिखता और हिंदी टाइप तो बहरहाल उसने कहा कि नहीं तुम तो इसमें इसमें करो उसने कहा है, तुमको टाइपराइटर तो आता है इसी बहुत ही आसान है ये है, वो है ठीक है उस दिन मुझे कुछ डेमोक्रेसी और क्लासिकल म्यूजिक के संबंध के बारे में कुछ एक बात सूझी तो आके मैंने उसको फौरन टाइप कर दिया अब लेकिन उसको सेव करना भूल गया तो वो गायब हो गया तब तो से मैंने नहीं, का नहीं मेरे बस का नहीं है। हम तो अपने पुराने टाइपराइटर टाइपराइटर पे ठीक तो जो वो था था बाद, बाद, अच्छा। म्यूजियम बनने वाला है हमारे देश में तो यही दिल्ली अच्छा टाइपराइटर सुधारने वाले मैकेनिक मिलना बड़ा मुश्किल है तो हमारे सेक्रेटरी ने खोज रखा है कहीं और उसको हम जरूरत से ज्यादा पैसा देते हैं ताकि वो क्योंकि उसका रिवन भी मिलना मुश्किल है और अब वो धीरे धीरे जो उसके अक्षर हैं वो भी घिस घिस रहे हैं तो खैर मरते दम तक तो रहेगा फिर देखेंगे इंटरनेट वाले सवाल लेता हूं जे. ताकि यहाँ तो हम लोग बैठे ही हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग यहाँ हैं वो रहेंगे तो अपने सवाल सुरक्षित रख सकते हैं यह कितना जायज है कि संस्कृतनिष्ठ शब्द अधिक इस्तेमाल में नहीं है संस्कृत की जीवंतता से इसका आज क्या रिश्ता लगता है आ, दूसरा एक सवाल है मैं दो तीन पढ़ देता हूँ रानू तोमर आ, क्या भाव भाषा को गढ़ते हैं या समझ से भाषा बनती है आ? क्या भाव भाषा को गढ़ते हैं या समझ से भाषा बनती है अच्छा अब शब्दों की व्यापकता और मान्यता से हम सहज क्यों हो गए हैं हम्म hmm. hmm. क्या इन्हीं का आगे एक और है क्या केवल लेखन ही भाषा की पूर्णता का प्रतीक है मेरी माँ केवल अपना नाम लिखना जानती है पर भाषा संपदा में धनी है अतः माँ के अनुभव की भाषा की सार्थकता को किस प्रकार समझा जाए स्पष्ट करें एक और है अपने अपने जगह और स्थान का जिक्र करते हुए जगह उर्दू को दे दिया और स्थान संस्कृत को ऐसे में हिंदी के पास क्या बचा आप क्या आपकी मंशा ये नहीं थी नहीं। <laughs> उस, उस शिक्षिका की मंशा वो जरूर रही थी।, 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 थी तो ये तो सवाल नहीं वाकई का जवाब आप दे सकते हैं कुछ और पढ़ दू या नहीं नहीं क्या क्या तो पहला वाला क्या था हाँ पहला था ये कितना जायज है कि संस्कृत ने शब्द अधिक इस्तेमाल में नहीं है संस्कृत संस्कृत की जीवंतता से इसका आज क्या रिश्ता लगता है देखिए हिंदी में संस्कृत मेरी अपनी ये कच्ची पक्की अवधारणा ये है कि नौवीं दसवीं शताब्दी में संस्कृत ने एक महानदी की तरह अपने को कई छोटी छोटी धाराओं में फैला दिया तो मसलन कर्नाटक में संस्कृत कन्नड़ है कन्नड़ बन गई मलयालम मतलब केरल में संस्कृत मलयालम बन गई उत्तर भारत में वो हिंदी उर्दू बन गई और इसलिए इन सब भाषाओं में उसके बहुत सारे शब्द हैं बल्कि दक्षिण की कई भाषाओं में संभवतः संस्कृत के शब्दों का अधिक उपयोग होता है बजाय उत्तर भारत के उत्तर भारत में क्योंकि हमारे पास उर्दू और अरबी फारसी का भी की भी एक धरोहर आई विरासत आई दूसरे आपको ये पता ही होगा कि रामचरितमानस में एक हजार से अधिक अरबी फारसी के शब्द हैं तो जब तुलसीदास जो के संस्कृत के पंडित थे जिनका हर कांड संस्कृत श्लोक से उनके अपने श्रीमद रामचंद्र कृपालु भजनवन इत्यादि जो उन्होंने वो तो संस्कृत में ही है लेकिन उन्होंने जब रामचरित मानस लिखा है अवधि में तो उसमें स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं और ऐसे शब्द भी आए हैं संस्कृत के जो अवधि में न रहे होंगे लेकिन अवधि में वो ले आए उनको और अब वो हिंदी का तो संस्कृत निष्ठ शब्दों की, आ, की कमी मुझे संस्कृत की अनुपस्थिति नहीं लगती क्योंकि सिर्फ शब्दों से थोड़ी भाषा बनती है अब उन्होंने कहा था कि उनकी मां के पास जो हाँ हाँ जरूर भाषा पर कोई लेखकों का एकाधिकार थोड़ी है बल्कि मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया कि कैसे एक किसान ने एक नया शब्द गढ़ा बिल एक और मैं पढ़ देता हूं आ, भरत तिवारी सर प्रणाम कृपया बतलाएं कि अंग्रेजी के बड़े वाक्यों को उनका बड़ापन रखते हुए कैसे अनुवाद किया जा सकता है अबल <laughs> तो बड़प्पन लंबाई से तय नहीं होता कोई कितना लंबा है इससे वो क्या बड़प्पन होता है बहुत सारे छोटे कद वाले लोग ज्यादा बड़प्पन दिखाते हैं बजाय ऊंचे कद वाले लोग एक तो लंबाई से बड़ापन तय नहीं होता आपको अनुवाद करना है तो आपको जिस अनुवाद की भाषा में उसको संप्रेषणीय बनाना है लोग समझ सके आसानी से अगर वैसा नहीं हो रहा है और आप सिर्फ अंग्रेजी की तर्ज पर उसको लंबा किए जा रहे हैं तो बेकार है एक हमारे मित्र हैं अजय मिश्र संस्कृत के हैं मैं जानता हूं संस्कृत पढ़ाते हैं उन्होंने एक के बाद एक दस सवाल पूछ दिए हैं अच्छा तो। मैं सारे सवाल पढ़ देता हूं आप जिसका जवाब देना चाहें उसका जवाब दे सकते हैं ठीक है और बड़े कुछ सवाल बहुत बड़े हैं जिनका जवाब देना जरूरी नहीं है जैसे शब्द सबसे पहले कैसे बनता है दो हिंदी शब्द बनने की प्रक्रिया में आप समय की अवधारणा वृत्ताकार या एक रैखिक मानते हैं तीसरा आज शब्द संकट के दौर में है लेकिन अपने आप इस मानिक व्याख्यान में आडवाणी जी के प्रसंग में खूंखार रथ चलाने की बात की है उसका आज शब्द के साथ समय का क्या मतलब है ये मुझे नहीं समझ में आया चौथा क्या आज शब्द प्रजातांत्रिक लचीलापन के कारण संकट में आ गया है पांचवा आपने अपने पोते के पटेल स्कूल के प्रसंग में भाषा की शुद्धता की बात की है क्या उसका भाषा का राजतंत्र तो नहीं आ... अभी एन ई पी न्यू एडुकेशन पॉलिसी हाँ मैं भारतीय भाषाओं के मलहम पट्टी का क्या राज आपको लगता है सातवां तो क्या साहित्य को संरक्षण से इजाद किया जा सकता है आठ यदि हाँ तो यह भाषा पूर्ण नहीं है नौ क्या आपको भी नहीं लगता कि आज शब्द के समय संकट ने अद्वी आलोचना को काफी बौना बना दिया है दसवां कॉकटेल शब्द का तर्जुमा तो रसरंजन संस्कृत समाज तो नहीं पचा पाएगा टिप्पणी है तो समाज पीता भी नहीं है तो उसको जरूरत भी नहीं है तो मरस पीते हैं और हो सके तो आप जुबली हॉल के अपने छात्र जीवन के कुछ साहित्यिक बातों को ही शेयर करें तो ये सब वो कभी अलग भी कर सकते हैं लेकिन जो भी आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं क्या मैं नहीं कहना चाहे तो उसकी भी आजादी ठीक है आ, आ, मैं यहाँ जो मौजूद लोग हैं प्रत्यक्ष दर्शियों से आ, को मंच देता हूं कोई सवाल है मेरे पास बहुत सारे हैं उनसे ही शुरू करती फिर कोई उत्साहित हो नहीं मतलब बात से बात निकलती है उस, उस संदर्भ में बातें निकली आ, पहली बात जो आ, अलगंट हमारे यहाँ मगही में भी आ, शब्द है अलग अंट से लगा वो है ना कि मार दिया है ना जैसे किसी को उठा देना है ना उठाना एकदम अचानक और बड़ी सफाई से उठा लेना तो हम लोग कहते हैं अलगंट उठा लिया आ, है ना है। लेकिन अंट है वो गोली जो गोली खेलते थे कि अलग अंट को मार देना अलगंठ तो आप जो कह रहे थे बुंदेलखंडी <laughs> में वो अर्थ बड़ा एक दिलचस्प है हिंदी और उर्दू जो जहां से मैं आता हूँ यानी रंगमंच थोड़ा बहुत और थोड़ा सिनेमा अध्ययन उसमें एक प्रतिद्वंदिता रही है हिंदी वालों और उर्दू वालों के बीच में जैसे मंटू सुनाते हैं राधेश्याम नहीं आकाश कश्मीरी के बारे में जिनके बारे में वो कहते हैं कि उनको कुछ लोगों ने कहा कि इनको तो हिंदी आती नहीं मतलब तो हिंदी से उनका तात्पर्य था कि तो ये कैसे लिख पाएंगे पौराणिक हिंदी नाटक जो कि काफी चल रहे थे उस समय बेताब ये सब लिख रहे थे तो ए, एक दिन इन्होंने आगाश कश्मीरी ने अपना भाषण दिया और शुद्ध हिंदी में दिया उसमें मतलब उर्दू अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया तो वो मंटो बड़े गर्व से वो सुनाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आगा हर्ष को वो गुरु मानते थे आ, एक तरह से लेखन का तो ये कंपटीशन ये दिलचस्प है एक कि एक, एक नया रूप बस इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कंपटीशन तो खैर मतलब आप कह सकते हैं लेकिन एक बात पिछले पचास वर्षों में हिंदी उर्दू के बीच जो दूरी थी उसको हिंदी ने काफी हद तक दूर कर लिया दुर्भाग्य से उर्दू ने बढ़ा लिया मैं आपको उदाहरण देता हूं जब मैं कुलपति था तो हमने सोचा कि अगर ये सहोदर भाषाएं हैं तो इनके साहित्य का एक मिला जुला एम कोर्स क्यों नहीं हो सकता तो हमने हिंदी के विशेषज्ञों को और उर्दू के विशेषज्ञों को बुलाया उनसे कहा कि मस्तन आप 19वीं सदी पढ़ाइए तो उसमें मीर और गालिब और ताग इनको भी पढ़ाइए और भारतीय हिंदू और काव्य के पदमाकर और देव इनको भी पढ़ाइए तो ऐसा एक कोर्स बनाइए तो जब वो कोर्स बन गया तो उनकी फिर एक सम्मिलित बैठक हुई तो उर्दू वालों ने कहा जिसमें शमीम हनफी वगैरह जैसे लोग थे कि ये कोर्स हिंदी में तो चल जाएगा उर्दू में नहीं चलेगा यानी उस कोर्स की बुनियादी जो अरहता थी वो ये थी कि आपको या तो हिंदी पढ़ी हो आपने बीए तक या उर्दू पढ़ी हो तो मैंने कहा क्यों नहीं चलेगा बोले बात यह है कि हिंदी में तो उर्दू का लगभग सत्तर 80 अस्सी प्रतिशत साहित्य देवनागरी में छप कर आ चुका है लेकिन हिंदी का दस प्रतिशत भी उर्दू में नहीं तो ये एक है अच्छा उसके कारण उर्दू की अपनी समस्याएं जो है उर्दू को जो बंटवारे के बाद जो एक तरह का अलगाव जैसा और उनको एक मुसलमानों की भाषा बनाने का जो जो ये सब पूर्वग्रह पैदा हुए उस सब के पर तथ्य ये है, एक बात दूसरी बात ये है कि जब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं गालिब के जब डेढ़ सौ बरस हुए तो एक आयोजन था अंतरराष्ट्रीय तो उसमें पाकिस्तान से भी इंतजार हुसैन वगैरह आए थे तो एक सत्र ऐसा था जिसमें नामवर सिंह मैं और वागी शुक्ल बोले गालिब पर और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे अली सरदार जाफरी तो अली सरदार जाफरी ने कहा कि एक हिंदी वालों का गालिब भी है ये बात हमको नहीं पता।, पता थी और हमको इसका एहतराम करना चाहिए जब मैंने पढ़चा तो अंग्रेजी में पढ़ा था लेकिन उसमें जो शेर थे वो सारे और मैंने माफी मांग ली थी कि मुझे तो उर्दू आती नहीं मैं देवनागरी में पढ़ता हूं तो हो सकता है कि उच्चारण की कोई भूल उसके बाद लंच हुआ तो लंच में मुझे कोई एक साहब आए उनका साहब इंतजार हुसैन साहब आपको याद कर रहे हैं चलिए चलिए मैं गया अरे बोले आप सफेद झूठ बोले नहीं। नहीं, क्या बोले कि आपको उर्दू नहीं आती आपके सारे नो तलफुज बिल्कुल ठीक था तो मेरे उनके बगल में पाकिस्तान से आए एक कोई लहीम शहीम से शख्स थे उन्होंने कहा कि आपने देवनागरी में पढ़ी है ना इसलिए आपका तलफुज ठीक है हम तो आपके सरनेम का ठीक से उच्चारण उर्दू में कर ही नहीं सकते हम हमेशा उसको वाजपेयी कहेंगे क्योंकि वो वैसे ही लिखा जाता है और चूंकि लिखा ऐसे जाता है इसलिए ऐसे ही पढ़ा जाएगा तो हम उसको मतलब अरबी लिपि में ऐसे लिख ही नहीं सकते कि वो वाजपेयी पढ़ा जाए तो अपनी भाषाओं के अपने अपने वो होते हैं दूसरी तरफ ये है कि देखिए हिंदी की बहुत सारी कठिनाइयां हैं वो अपनी जगह है लेकिन हिंदी इस देश की सबसे आतिथेय भाषा है अगर आपको ये जानना हो इस समय कि मोटे तौर पर भारतीय साहित्य में क्या लिखा जा रहा है कौन बड़े उपन्यासकार हैं कौन बड़े कवि हैं कौन बड़े आलोचक हैं इत्यादि इत्यादि तो ये आप हिंदी से जान सकते हैं क्योंकि तो इतना अनुवाद हिंदी में होता है एक बात दूसरी बात यह है कि हमने मसलन हिंदी की कई पत्रिकाओं में फैज अहमद फैज मखदूम और जो उर्दू के मजाज हसन इनकी जन्म शताब्दी पर मोटे मोटे विशेषांक निकाले हमारे कम से कम दस बड़े लेखकों की जन्म शताब्दियां पड़ी उन पर एक लेख भी किसी उर्दू पत्रिका में नहीं छपा ये मैं उर्दू की मजलिसों में कह चुका हूं मतलब ये यहां नहीं कह रहा हूं इसलिए कि तो वो एक बन गया तो बन गया उर्दू को का ये ख्याल है कि हिंदी ने उसको बेदखल कर दिया कि जो हम हमारी हम तथाकथित तो तो राजभाषा बनी वो हिंदी बनी हिंदी के राजभाषा बनने के कई दुष्परिणाम हैं लेकिन एक सुपरिणाम ये भी है कि राजभाषा से हिंदी साहित्य ने अपनों को पूरी तरह से दूर रखा है इसका एक दुष्परिणाम ये जरूर है कि हिंदी में औसत बुद्धि वाले लोगों को भी नौकरियां मिल जाती हैं जो कि शायद दूसरी भाषा में और हिंदी के जितने अधिकारी हैं तो हिंदी अधिकारी कहलाते हैं वो ऐसी भयानक भाषा लिखते हैं कि उसको हिंदी कहना बहुत ही कठिन है मैं यहाँ संयुक्त सचिव होकर आया तो हर कैबिनेट नोट जो है वो हिंदी में भी लिखा जाता है ये एक पाखंड है जो सदियों से चल रहा है हर मूल लेख मूल नोट अंग्रेजी में लिखा जाता है फिर उसका हिंदी अधिकारी जो है वो अनुवाद करता है तो मैं नया नया आया था अब मुझे ये सब बारीकियां मालूम नहीं थी तो जो हमने कैबिनेट नोट लिख दिया वो अप्रूव हो गया उसके बाद अब वो गया जब हिंदी अनुवाद आया उसका तो मैं मताने तो मैंने भाई तो मैं कौन है ये किसने किया है ये तो एक महिला प्रकट दक्ष दक्षिण की महिला अब मुझे बड़ा संकोच हुआ मैंने उसका क्या आपने ये हिंदी में लिखा है बोले हां उनका जरा पढ़ के इसका वाक्य का एक बताइए तो अर्थ क्या हुआ कहा ये तो हमारा कोष जैसा हमें बता राजभाषा कोष है उसको देख देख के हम बनाते हैं तो हिंदी का अहित करने वाले बहुत हैं उनमें एक बड़ा अहित हिंदी राजभाषा अधिकारियों ने किया ऐसी भयानक असह्य नाकबले बर्दाश्त भाषा हिंदी को बना दिया है कि तो और उसका प्रभाव पड़ता है और दूसरी बात हिंदी अध्यापन ने भी बहुत कहर बर्पा की है साहित्य की समझ को हिंदी के अध्यापकों ने चाहे वो स्कूल के स्तर पर हो और चाहे विश्वविद्यालय के स्तर पर हो बहुत आघात पहुंचाया है मेरे ऊपर आपको एक उदाहरण शोध एक भारतीय नाम था भारतीय हिंदी परिषद या ऐसा कुछ नाम था एक संस्था का स्थापना नगेंद्र जी वगैरह ने की थी और फिर वो मत प्राय थी फिर पुनर्जीवित हुई तो धारवाड़ में उसका एक वार्षिक अधिवेशन हुआ और मुझे बुलाया कि आप बीज भाषण देने के लिए तो मैं गया इसलिए गया कि धारवाड़ बहुत ही महान संगीतकारों की जगह है मैं चाहता था कि मल्लिकार्जुन मंसूर की समाधि देखू गंगूबाई हंगल बीमार थी तो उनसे मुलाकात हो जाए बहरहाल तो जो शोध पर बीज भाषण मुझे देना था तो मैंने ये कहा कि मैं ये प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि पंद्रह वर्षों तक हिंदी में शोध को कानूनन बंद कर दिया जाए जो करे और जो कराए दोनों को कैदे बा मुशक्कत की सजा देने की का प्रावधान भी किया जाए अब मैंने कहा आपसे ये, ये हिंसक बात मैं अपने मुझ, मुझ पर उस समय तक दस बारह पंद्रह शोध तीन में मेरा जन्म स्थान बदल लिया था चार में मेरे चार में मेरी जन्म तिथि बदल दी थी इसके लिए शोध की जरूरत ही नहीं थी मेरी हर पुस्तक में जो ब्लर्व है उसमें लिखा होता है कि मैं कहां पैदा हुआ और किस सन में पैदा हुआ किस तारीख को कौन सी अभागी तारीख थी जिस इस धरा धरती पर मेरा <laughs> प्रादुर्भाव हुआ वो सब लिखा हुआ है इसमें आपको शोध करने की जरूरत नहीं है आप तो इस सब ने इसलिए देखिए शब्दों की जो बहुत बड़ी फिजूल खर्ची है इसका कोई अनुशासन ही नहीं बनता एक तरफ फिजूल खर्ची और एक तरफ कुंद जहनी यानी ये कि हम तो बस इतने ही से अपना काम चला देंगे और आप अगर हिंदी में ज्यादातर आलोचना की भाषा पढ़ें तो उसी बात को अच्छा हिंदी में एक अद्भुत परंपरा है एक बहस पहले बहुत हो चुकी पचास साल बाद वो बहस फिर से होगी और उन्हीं मुद्दों पर होगी जिन पर वो पचास साल पहले हो चुकी और उसमें काफी बड़े बड़े लोगों ने भाग दिया अब छुटवाइये मिलके उस पर उसी पर बहस करेंगे लेकिन ये कहीं नहीं उसमें इस बात का एहतराम होगा कि भाई पहले भी ये बहस हुई थी अगर हम आप उससे अलग जा रहे हैं तो तो चलिए फिर से बहस हो। वो कुछ नहीं हो। तो ये हिंदी की दुर्दशा पर व्याख्यान देने थोड़ी बुलाया आपने <laughs> कोई इरादा नहीं था मैं उस चीज को आ, आ, बस वो आ, 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 आप लोगों से मुखातिब हूँ आप लोग आ, सवाल पूछिए अगर है तो अलगंट अलगंट नहीं नहीं नहीं, अलग अल्ग है था था नहीं बिल्कुल अलगंट अल्ग। बेलाग एंड दोनों एग्जैक्ट मतलब ये अलग करके हाँ। नहीं ध्वनि है नहीं वो अलग अंशंट नहीं अंशंट नहीं अंशंट तो अलग है वो अंशंट जैसे मैं कह रहा हूं वो अंशंट है हाँ, लेकिन आ, अलगंट में ये होगा कि जब आप एक ऐसा प्रश्न पूछें और कहें कि नहीं आप इसी पर तो। आ, हाँ दीपू एक, एक मुझे ख्याल आया जब आप वो बता रहे थे आ, कि लंबा जो वाक्य है वो हिंदी में कितना मुश्किल है हाँ. इसका सबसे सबसे ज्यादा मतलब ये जहां सुनाई देता है कानों को बहुत खटकता है वो एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट पे हां क्योंकि वो हिंदी में जब भी अनाउंसमेंट होता है कि फलाने फलाने जो हमारे ये हैं ट्रैवलर्स जो जिन्होंने ये किया वो वहां जाएं उनका ये हो चुका उसमें सारी विभक्तियां गलत होती हैं हमेशा और <laughs> मैं इस बारे में आ, बार बार सोचती हूँ कि क्यों हो रहा है इसको उन्हीं सभी सब यात्रियों से ये, 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 हमारा ये, ये निवेदन ये ये है कि जो ये कर चुके हैं वो अब यहाँ जाएं आ, लेकिन उसमें काके की जो होता है वो सब मतलब तो वो बिल्कुल बाय द एंड ऑफ इट टोटली विभक्तियां हिंदी की एक बड़ी समस्या है समस्या भाषा का स्वभाव क्या करेगी रहे तो यही होगा जी आप कुछ लोहिया का जिक्र किए गांधी का किए तो ऐसा लगता है कि राजनीति में तो दम है कि वो भाषा को कुछ दे सकती है राजनीति भाषा को कुछ दे सकती है आ? लेकिन अगर आपका जो आपने कहा अगर मैं ठीक समझा तो हर भाषा को राजभाषा बनने से बचना चाहिए सिर्फ हिंदी को नहीं देखिए अबल तो एक ऐसे देश में जहाँ कितनी भाषाएं 22 छब्बीस तो हमने संविधान के अनुसूची में ही डाल रखी है और अगर आप किसी भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक सर्वेक्षण पर भरोसा करें जैसा कि गणेश देवी ने किया है या औरों ने किया है उससे भाषाओं की संख्या तो बहुत अधिक है हिंदी में ही छियालीस बोलियां ये जनगणना आयुक्त के हिसाब से उसमें छियालीस बोलियां तो खड़ी बोली जो है जो आज तक मानक हिंदी बन गई है वो खड़ी बोली स्वयं अपनी बोलियों के बीच में संपर्क भाषा है यानी छत्तीसगढ़ी बोलने वाला मैथिली बोलने वाले से बातचीत कैसे करेगा वो खड़ी बोली के थ्रू करेगा तो वो खड़ी बोली एक तरह से संपर्क भाषा है तो हिंदी तो संपर्क भाषा है इन अपनी बोलियों के बीच में भी दूसरी बात यह है कि ये अपने आप में कि एक भाषा एक धर्म ये सब एक एक जिस देश में ईश्वर को एक वचन नहीं रहने दिया गया देवताओं को धर्मों को भाषाओं को पहरावे को भोजन को रीति रिवाज को जो हम एक नहीं है उस देश में आप एक भाषा क्यों लाना चाहते एक राजभाषा की क्या जरूरत है तो एक तो बुनियादी तौर पे यही एक यानी देश बहुवचन है और उसकी भाषा एक वचन हो तो कैसे होगा एक बात दूसरी बात जब ये बहस हो रही थी संविधान सभा में इस पर काफी गहमा गहमी थी और ये थी वो थी तो उस समय ये बात भुला दी गई थी कि हिंदी को राजभाषा बनाने का की जो पहल थी वो तो गांधी जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी कोई हिंदी लेखकों ने नहीं की थी कोई प्रेमचंद या निराला ने नहीं की थी ये सो पहली बार यानी आजादी की लड़ाई के समय महात्मा गांधी ने तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापित की थी और वो मानते थे कि यही हो सकती है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी ताइद की है तो ये एक उस समय एक ऐसी भाषा होना चाहिए जो सब जगह जिसका वैसे वो भाषा अभी भी हिंदी ही है सरकारी प्रयत्न के कारण नहीं राजभाषा बनने के कारण नहीं लेकिन जो और संचार के और संप्रेषण के माध्यम है उनके कारण अभी भी हिंदी से आप मोटा मोटा काम चला सकते हैं यानी अगर आप उसमें बहुत गहन विचार नहीं कर रहे हो तो चाहे चेन्नई हो चाहे त्रिवेंद्रम हो जो आपके हिंदी से काम चलता है तो वो तो वो पहले से ही ये स्थिति थी जिसको अब सिनेमा टेलीविजन इत्यादि ने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है लेकिन जो हिंदी वहां इस्तेमाल करते हैं लोग वो राजभाषा वाली हिंदी नहीं है वो एक अधिक जीवंत हिंदी है और मेरे छोटे भाई उदयन की तो ये एक अवधारणा है कि हिंदी जब कोई कन्नड़ भाषी हिंदी बोले तो उसकी हिंदी में कन्नड़ को भी अंतर्ध्वनित होना चाहिए जब कोई बंगाली हिंदी बोले तो उसमें बांग्ला को अंतर्ध्वनित होना चाहिए तो ये एक दूसरी हिंदी होगी जो जो तथाकथित हिंदी है अपने आप जो हिंदी है वो दूसरी भाषाओं पर खुली रहे और ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं और विन्यास हैं जो कई जैसे हिंदी में ये कहना गलत है कि मैंने वहां जाना है हिंदी में कहा जाएगा मुझे वहां जाना लेकिन पंजाबी में मैंने वहां जाना है और मराठी में भी मैंने वहां जाना है मराठी भाषी भी जब बोलेगा हिंदी तो हमने एक ऐसा कोष व्याकरण बनाने की चेष्टा की थी जो मेरी विफलता की गाथा के लिए कभी आप बुलाएं तो मैं तीन घंटे अपनी विफलताएं बताऊंगा आप तंग आ जाएंगे कि ऐसे विफल आदमी को क्यों बुला लिए तो उसमें मैंने एक व्याकरण बनाने की कोशिश की थी और उसमें ये कहा कि भाई अगर आप कहें कि मानक वाक्य तो ये है विन्यास तो ये है लेकिन लोक प्रचलित रूप बहुत सारे जैसे मैंने वहां जाना है मराठी भाषी भी ही बोलता है पंजाबी भी ही बोलता है जबकि बहुत सारे शब्द हैं जैसे चर्चा हिंदी में चर्चा होती है उर्दू में चर्चा होता है तो कई कई बार लिंग बदल जाता है कई बार बहुत दिनों तक मुझे ये लगता था कि जंग होती है नहीं होना चाहिए जंग होता है आ, लेकिन जंग होती है बहुत सारे जिनको हमने मान रखा है कि ये स्त्रीलिंग है साइकिल रेलगाड़ी या बस किस हिसाब से स्त्रीलिंग है इसका कोई कारण तो है नहीं सिवाय इसके क्या आपने लगभग तय कर दिया कि ऐसा है तो काफी दिलचस्प है कि फिल्म पहले स्त्रीलिंग हुआ करती थी उर्दू और हिंदी दोनों में और आजकल पुलिंग है फिफ्टीज़ के आसपास ऐसा हुआ अगर पत्रिकाओं पत्रिकाओं पत्र पत्रिकाँ को देखें तो उसका लिंग निर्णय बदल जाता है पचास के दशक में एक चूंकि आपने रेणु का जिक्र किया और पंच थके तो नहीं नहीं, नहीं? हाँ तो पंचलाइट का जिक्र किया मैं उस समय के कुछ ऐसे लोग जो एक आंचलिक भाषा का प्रयोग कर रहे थे या एक अलग मुहावरा गढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो कि मानक हिंदी से अलग हो क्योंकि अलग सच्चाई शायद वो पेश करना चाह रहे थे उसमें विस्मयादी चिन्ह विस्मयादी बोधक चिन्हों का बहुत ज्यादा प्रयोग मिलता है रेणु में कुछ कुछ बेनीपुरी में भी में ऐसा भी जो कि अक्सर आलोचना में संभव नहीं है ऐसा रचना रचना में संभव है शायद लेकिन कुछ ही लोग वैसा कर रहे हैं हाँ लेकिन देखिए हिंदी में जब भी कोई किसी बोली के शब्द का इस्तेमाल करता है अगर वो रचनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति है तो वहां भाषा खिल पड़ती मतलब उसमें एक अजब सा उजास पैदा हो जाता है जब आप एक वहां का शब्द ले आते हैं रेणु का काम तो और ज्यादा बड़ा था क्योंकि रेणु ने तो पहली बार हिंदी को एक अंचल को पूरी तरह से व्यक्त करने की आ, की, की जिम्मेदारी दी जो भाषा को पहले नहीं दी गई थी प्रेमचंद अवध में थे अवधि का प्रभाव हिंदी पर है उनकी लेकिन अवधि बोलती नहीं है बोलती तो खड़ी बोली जबकि रेणु के यहां और उन्होंने तो इतनी ध्वनिया इतनी ध्वनिया है कि किसी भी कृति में उसके पहले या उसके बाद इतनी ध्वनियों का अंकन नहीं है जितना रेणु ने मैला चलो प्रति पर कथा में किया ध्वनिया ध्वनिया मैंने इस बात को नहीं कहा अब हालत यह है कि हमको मसालों के नाम अपनी भाषा में नहीं आते हमको सब्जियों के नाम अपनी भाषा में नहीं आते हमको फूलों के नाम नहीं मालूम हमको पक्षियों और कीड़ों के नाम नहीं मालूम जबकि तो हमारे आसपास हैं है इनको अब हम सब किसी न किसी अंग्रेजी शब्द या उसके निकट कोई शब्द खोज करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारी भाषा जो है उसका एक दूसरा सिकुड़ना है ये जो हमारा अपना पड़ोस है हमारी अपनी जो अपना जो वस्तु जगत है उसके बखान में ही अब भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है इसका एक खासियत पद उदाहरण है कि मैं आपको सेंड करती हूं तो जो मैं आपसे अनुरोध कि सितंबर 2023 का अक्टूबर नीचे चल सकते हैं तो आप संस्कृत में नहीं करेंगे आप ना जिस तरह रस रंजन का आपका अनुवाद बहुत चला और चली गया उसी तरह हम लोगों ने भी एक विफल अनुवाद किया है बॉटम्स आपको क्या कहेंगे हिंदी में तो हमारे मित्रों ने संजीव ने सुझाया था कि उसको तलांतिका कह सकते हैं तलांतिका कह सकते हैं, <laughs> तो करते हैं। उसको एक ऊंचाई गरिमा देने के लिए कई बार आप संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए उसमें भी आप आप संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं जैसे आप ये कहेंगे उस जमाने में जब एक रघुवीर ने कोश बनाया था उनकी बड़ी निंदा होती थी और लोहपथ गामिनी गमना गमन सूचक रक्तिम लघु पट्टिका विश्राम स्थान मतलब इस तरह का इस तरह के शब्द उन्होंने बनाए थे उसके पीछे दृष्टि ये थी कि अगर आप कोशिश करें तो आप अपनी भाषा में भी कोई इसका पर्याय बना सकते हैं इसका अर्थ ये नहीं था कि वो पर्याय चल पड़ेगा पर्याय तो राजभाषा ने बहुत बना रखे वो सब कोई नहीं इस्तेमाल करता उनका वो खुद ही अपने भाषा बन के रह गई तो ये भाषाओं के बारे में आप Uh, क्योंकि भाषा जो है वो एक एक ऐसी चीज है जिसका हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा और करते हुए उस... ह हाँ. एक बार हम अवर सचिव थे और नीचे थे तो उसमें हमारे जो गृहमंत्री थे उन्होंने लिखा इसकी माहिती अब हमको समझा कि माहिती का मतलब होगा ए, मर्डर का कोई केस था तो माहिती कन्नड़ तो कन्नड़ का सम काइंड ऑफ ए मासिक रिपोर्ट जबकि माहिती का मतलब सिर्फ जानकारी तो वो मराठी का प्रभाव था क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर मराठी के वो लेकिन कई बार वो बहुत अच्छा इस्तेमाल भी करते जैसे हमारे यहाँ वित्त विभाग में वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग की सीमा का उल्लंघन न करे वित्त विभाग अपनी सीमा से आगे जाकर प्रशासनिक विभाग के विवेक पर प्रश्न चिन्ह न उठाए वित्त विभाग में लिखा जाता था। तो तरह तरह के उसमें हुए हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेकिन अब अतिशयोक्ति तो एक अलंकार है ही ना और कभी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भड़बू करेंगे एकमात्र फिल्म जो बनी है जिसमें कोशकार नायक है वो है तीन बत्ती चार रास्ता शांताराम की फिल्म तो उसमें एक ये प्रसंग आता है वाष्प्रत विश्राम स्थान वाला ये सिर्फ मतलब जिसको कहते हैं वो नहीं है बहुत मजा आया अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया काफी दिलचस्प बातचीत हुई और आगे भी हम आपको तकलीफ देंगे किसी और विषय पर तो और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जमे रहे टिके रहे और लुत्फ लेते रहे आ, अगली बातचीत तक हम आ, 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 अब विराम लेते हैं